और सितारगंज के नेशनल हाईवे 74 पर ग्राम सिसिया के पास में स्कूल की बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हुई है। उस टक्कर में स्कूल की बस पलट गई है और इस हादसे में एक छात्रा समेत एक शिक्षिका की भी मौत हो चुकी है, जबकि कई छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायल छात्राओं को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहाँ से गंभीर रूप से घायल 22 छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बस में कुल 51 लोग सवार थे, जिनमें लगभग 5 टीचर स्टाफ थी। स्कूल स्टाफ के अनुसार बाल दिवस के मौके पर बस किच्छा के नानकमत्ता साहिब पिकनिक पर गई थी। पिकनिक से लौटते समय बस चालक विपरीत दिशा में तेज गति से चलाने लगा, जहां सामने से आ रहे वाहनों को बचाने के प्रयास में बस पहले डिवाइडर से टकराई और उसके बाद में सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी, जिसके चलते बस पलट गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस के अधिकारी अस्पताल में पहुंचकर घायलों का जायजा लिया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। स्कूल बस थी जो नानकमत्ता से बच्चों को लेके वापस खींचा जाना बताया गया है, और ट्रक से सामने आ जाने से ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है, जिसमें लगभग 10 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया है और लगभग 25 लोगों का इलाज यहीं पे चल रहा है। दो लोगों की कैपेबिलिटी होना बताया गया। अभी बस एक्सीडेंट हुआ था सिसैया के पास, उसमें लगभग 51 लोग थे जो सवार थे, जिसमें से हमारे यहाँ से 22 लोगों को रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। 2 लोग हमारे पास ब्रॉड डेड आए थे, बाकी बचे हुए हमारे 26-27 लोगों को फर्स्ट एड के बाद कुछ को घर भेज दिया गया है। अभी 5-6 लोग हमारे यहाँ भर्ती हैं अस्पताल में।